Hey guys, I hope you all doing well. Welcome back to another useful video on my channel. This is Ashmita Tyagi here. I hope ki meri video aapko achhi lagegi. आज की वीडियो में मैं अपना हेयर केयर रूटीन आपसे शेयर कर रही हूँ. ये मैंने सबसे पहले हेड मसाजर लिया है और कोई भी चीज़ आप जो मेरी वीडियो में देख रहे हैं इसे करने से पहले मैंने अपने बाल बिल्कुल डिटेंगल कर लिए थे. आई होप कि आप भी ऐसे ही करेंगे. कुछ भी मास्क वगैरह लगाने के बाद आप प्लीज़ कॉम ना करें, वो बालों को बहुत ज़्यादा हर्ट करता है और बाल तोड़ता है. ये डर्मा रोलर है, इससे आपके बाल बहुत जल्दी रीग्रोथ करते हैं. जहाँ हैं भी नहीं वहाँ भी ये मदद करता है बालों को रीग्रोथ कराने में. ये एक तरीके की माइक्रो निडलिंग थेरेपी है जो स्टिमुलेट करता है वॉन्ड हीलिंग प्रोसेस को, जो न्यू कॉलेजन इंक्रीज करता है, इलास्टिसिटी लाता है आपकी स्किन में. तो इससे क्या है, आप जितना ज़्यादा मसाज करेंगे उतना आपके ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है. एक तरीके की निडल प्रोसेस है. आप चाहें तो मसाज कर सकते हैं अपने फिंगर्स से. ये नेक्स्ट मैंने पानी लिया है जो थोड़ा सा बॉइलिंग हो जाने पर मैंने इसमें रोज़मेरी लीव्स डाली हैं और थोड़े से मेथी के दाने, जो बहुत ही अच्छा रीग्रोथ होने में बालों को हेल्प करते हैं. इसका वो आप बॉयल होने के बाद, ठंडा होने के बाद बोतल में कर लें, जैसे मैंने किया है. स्प्रे बोतल में कर लें तो और अच्छा, और नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं. इस स्प्रे को पूरी अपनी स्कैल्प पर अच्छे से अप्लाई कर लें. जहाँ भी आप चाहते हैं कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा थिक ग्रोथ में हो जाएं वहाँ इसे अप्लाई करें. और स्प्रे बोतल से बस ये है कि थोड़ा सा इजी हो जाता है आपको लगाने में. आप यहाँ देख रहे होंगे मैं लगाते लगाते भी अपनी फिंगर्स से थोड़ा थोड़ा रब करते चल रही हूँ अपनी स्कैल्प को, जिससे ये बहुत अच्छे से अंदर चला जाए स्कैल्प में. इस वाटर के बाद हम अपने बालों के लिए मास्क तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने लिए हैं फ्लैक्स सीड्स. इसे अच्छे से पानी में एक बॉयल आने तक उबाल लें और गर्म ही गर्म बिल्कुल उसे स्टेन कर लें, जिससे ऐसा जेल बनकर तैयार हो जाएगा जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ. जितनी ज़्यादा आप स्पून फ्लैक्स सीड की डालेंगे ये उतना ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा. बस ये ध्यान रखें कि इसे गर्म ही गर्म छानना है, वरना उसके बाद ये निकलता नहीं है और उसी बर्तन में रह जाएगा जिसमें आपने बनाया है. तो अब आप इसे अच्छे से अपने स्कैल्प पर, पूरे हेयर्स पर लगा लें, और मेरी माने तो ऐसे लगा लें जैसे आपके पूरे हेयर कवर हो जाए. अब आप देख सकते हैं मेरे जो हेयर्स हैं वो वॉश के बाद बहुत ज़्यादा स्ट्रेट और बहुत ही शाइनी लग रहे हैं. ये मैं बहुत ज़्यादा ऑयलिंग के बाद मास्क अप्लाई करती हूँ. हफ्ते में 3 बार मैं अपने हेयर वॉश करती हूँ, उसमें से 2 बार ये मास्क लगाती हूँ और 1 बार ऑयलिंग. आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर आपको भी मेरे साथ और ज़्यादा जुड़ना है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें. मैं ऐसी यूज़फुल वीडियोज़ आप सबके लिए लाती रहूँगी. Bye for now guys and thank you for watching. अगर आपने यहाँ तक देखा है तो thank you so much. Bye bye.